अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन हक्का नूडल्स। इसके लिए मैंने 3 पैकेट लूँ नूडल्स के, और कढ़ाई में पानी उबालने रख लूँ, और इसमें 1 चम्मच तेल डालने का। तेल दाल को उबालने से नूडल्स चिपचिपे नहीं होते, और पूरा नूडल्स को उबाल को लेने में थोड़ा सा उबाल को लेने का। एक 2 मिनट उबाल को लेने का सिर्फ। अब इसे निकाल कर छन्नी में नितारने रखने का। खुले खुले बनाकर इस पर तेल डालने का। तेल डालने से भी खुले खुले होते हैं नूडल्स। इस तरह से सब नूडल्स उबाल को लेने का। नूडल्स को लगने वाली चीज़ें उबले हुए नूडल्स, गोभी, कटी हुई शिमला मिर्च, हरी पत्ती, शेजवान चटनी, विनेगर, सोया सॉस, टमाटो, चिल्ली सॉस, उबले हुए चिकन, ग्रीन चटनी, काली मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन, कटी हुई तेल, हरी मिर्च, प्याज, नमक और 2 अंडे। हरी मिर्च को दरदरा पीस को लेने का। नमक डालकर इस तरह से कढ़ाई में 5-6 चम्मच तेल डालने का। थोड़ा तेल ज़्यादा डालने का। एक कटी हुई प्याज है, हरी पत्ती की प्याज है ये, और इसे तेल में फ्राई करके लेने का। एक कटी हुई अदरक है, 1/2 प्लेट है ये। लहसुन है ये कटा हुआ, थोड़ा ज़्यादा डालने का क्योंकि नूडल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। हरी मिर्च पीसी भी डालने का, जितना तेज लगता है वो हिसाब से तुम्हें हरी मिर्च डालो। ऐसे पूरे तेल में फ्राई करके लेने का, और पूरे सब्जी डालने का, गोभी, शिमला मिर्च, हरी पत्ती डालकर पूरा मिक्स करके लेने का। ये धोकर मैंने नितारने रखी थी छन्नी में। ये उबले हुए चिकन है। ये ग्रीन चटनी है 1/2 बाटी। टमाटो चिली सॉस है ये 1/2 बाटी है। सोया सॉस 1/2 बाटी डालने का। शेजवान चटनी 2 चम्मच डालने का, और उबले हुए नूडल्स डालने का। थोड़ा कम नूडल्स पकाने से इसमें ये सब्जियों में नूडल्स पकते हैं, थोड़ा कम नूडल्स पका को लेने का, इसमें पके जाती हैं नूडल्स। एक काली मिर्च पाउडर है 1 चम्मच बड़ा, 1 चम्मच डालने का। बड़ा 1 चम्मच विनेगर सॉस डालने का। पैन में थोड़ा तेल डालने का। 2 अंडे हैं उसे फेंटने का। थोड़ा नमक डालकर और इसका ऑमलेट बनाकर लेने का, और दोनों तरफ से सेक को लेने का ऑमलेट को, और इसके टुकड़े बनाकर लेने का। इसे नूडल्स में डालने का। तुम ना वेज नूडल चाहिए तो तुम अंडा और चिकन स्किप कर सकते हैं,
तुम ज़रूर बनाओ, एकदम टेस्टी बनती है आपका नूडल्स। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दुआ में याद रखना, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।